जय श्री राम। मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं जीएलके मीडिया। इस वक्त हम आर्मी की डिफेंस लाइन के बिल्कुल पास में हैं और यहां पे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि 100 मीटर से दूरी पे आप कोई भी 100 मीटर के अंदर कोई भी आप कोई बना नहीं सकते, लेकिन आज हम यहाँ के मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। यहाँ के हमने देखा कि 10 फुट की दूरी पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये जो आर्मी की दीवार है इनका डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस है ये 10 फुट से ज़्यादा नहीं है। और ये बड़ी शर्मनाक सी बात है कि अगर कोई पैसे वाले लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको करने दी जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको रोक दिया जाता है। ये समझ नहीं आती कि ये आर्मी की मिलीभगत है या कोई यहाँ के प्रशासन है उनकी मिलीभगत है। ये मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है या कोई अमीर आदमी है जिसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको रोक दिया जाता है। एक साइड पे डिफेंस वाले कहते हैं कि 100 मीटर की दूरी से अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा और ये मात्र 10 फुट की दूरी है यहाँ की कंस्ट्रक्शन हो रही है। आखिर क्यों गरीबों को कुचला जा रहा है और क्यों अमीर आज भी अमीर होते जा रहे हैं? क्यों गरीबों को घर बनाने की इजाज़त नहीं है? मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, आर्मी के उन आला अधिकारियों से मांग करना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे क्या है? ये हम जो हमारी जनता जो देख रही है वो भी ये सोचे कि यार ये कब तक होगा कि गरीब कुचलता जाएगा और अमीर मनचाहा काम करता रहेगा। क्यों? उसके पास पैसा बहुत है और गरीब के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी चाहते हैं कि हर बंदे का पक्का मकान बने तो वो पक्का मकान कहाँ बनाएगा? आसमान पे। अगर ये अमीर आदमी 10 फुट की दूरी पे बना सकता है तो गरीब क्यों नहीं? ये सवाल जनता से है हमारा। जनता इसका जवाब देगी, प्रशासन को भी और आर्मी से भी पूछेगी कि अगर ऐसा है तो क्यों है। और इससे ज़्यादा ही ना बोलते हुए मैं चंद्रशेखर जीएलके मीडिया बंदूरख जम्मू। इस वक्त हम बंदूक चौक का जो मेन चौक है वहाँ खड़े हैं और हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला हुआ है आर्मी का जो डिफेंस एरिया उसके 100 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये सामने आप देखिए जितनी दुकानें बनी हुई है, कोई खाद्य विभाग के कोई आला अधिकारी है, ये सारी शॉप्स उनकी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ये 100 मीटर के अंदर हो रही है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये देखते हुए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये जितनी मार्केट है ये सारी अगर देखा जाए तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला हुआ है कि 100 मीटर के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन ये अंदर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, मुझे पूछेंगे कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। आइए सर, इनसे बात करते हैं। जैसे आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला हुआ है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकते, तो ये दुकानें कैसे नहीं, कोई नहीं है 100 मीटर के अंदर डबल स्टोरी नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्शन जैसे उसके साथ कर सकते हो? हाँ, गली में का ही गली में हुई है, गली है साथ भरी गली है ना, कोई इतनी डिफरेंट है। अच्छा, डबल स्टोरी आपके पास कोई ऐसा है ना, कोई ऐसा निकाला हो ना कि डबल स्टोरी है या नहीं? पहले यहाँ लिखा था आपके बोर्ड में, लिखा था यानी बड़ी बड़ी ना उसको बोर्ड लगा था जैसे वो ऐसा वो लिखा है ना, उसका ऐसी डबल स्टोरी आप लेकिन हमने सुना है कि कोई भी 100 मीटर के अंदर 100 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करती, ऐसा कुछ है? मेरा नाम सुजीत सिंह है, स्वागत है। बात यह है कि इनकी पब्लिक में इन डिफेंडर्स की सेफ्टी है, मतलब ये है कि ये पहले इन्होंने आर्डर निकाला था कि 100 मीटर तक मत बनाओ, बाकी सब बना रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी जिनका भी रह गया उनको भी बनाने दो, कोई बात नहीं, कोई नहीं है, पब्लिक है, अपनी पब्लिक है, इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं हम, कोई बात नहीं, इनको हमारी सेफ्टी है, कुछ नहीं होगा, बाकी जिनका मजबूरी है जिन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन बनानी है वो बनाने दें, बाकी इनका ऑर्डर बाहर से आया है कोई बात नहीं, अब कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बाकी आराम से। हाँ बोलिए सर, ये है कि जैसे हम बंदू रख के भी गए हैं वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई किसी का मकान बन रहा है और गरीब आदमी के लिए वहाँ हर तरह की बंदिश है, बिल्कुल बंदिश है। सरमाएदार बंदा है या कोई पैसे वाला है उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, ऐसा क्या सर? ये बात है कि सब करप्शन चल रही है, जो पैसा दे रहे हैं वो चढ़ा रहा है, बाकी जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल दबाया जा रहा है उसको,
उसको गरीब आदमी को बिल्कुल उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। बाकी मेरा यही है कि इनको सबको सेफ्टी है, इनको इनको पब्लिक यहाँ आस पास है, इनकी सेफ्टी है, मैं यही बोल रहा हूँ। बाकी कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ के नागरिक थे और उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उनका कहना है कि जैसे यहाँ का ये सरमाएदार है वो अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का यहाँ से काम करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए बदलपुरा का मेन चौक है, और ये दीवार देखिए आप, और दीवार के बिल्कुल सामने जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये दीवार और उसकी दूरी मुझे लगता है 20 फुट से 30 फुट से ज़्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 100 मीटर के अंदर कोई इसके पीछे क्या है कोई सुनने नहीं आ रही। ये देखिए ये दीवार और ये सामने बड़ा अजीब लगता है, बड़ी नाराजगी होती है इन आला अधिकारियों से और इन प्रशासन से। हम आज भी मांग करना चाहते हैं, हम फिर से बोलना चाहते हैं इनसे कि क्यों गरीबों को कुचला जा रहा है और क्यों सरमाएदारों को पैसा लेके या किसी दोस्त से या किसी सिफारिश से वो सारा काम हो रहा है। जैसे अभी पीछे हमने अंकल से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ऑर्डर ये है कि कोई भी डबल स्टोरी नहीं बना सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने, मैं कैमरामैन से बोलता हूँ जरा दिखाएं ये विजुअल, ये देखिए डबल स्टोरी की बात करेंगे, ये डबल स्टोरी बनने वाला है, ये भी कोई सरमाएदारी है। ये जो डबल स्टोरी बन रही है ये सरमाएदारों का, उनका कहना है कि जो डिफेंस एरिया है या उसकी दीवार है उसके सामने कोई डबल स्टोरी बना सकता, ये डबल स्टोरी की पिक्चर भी हमने दिखा दी, और इसके बीच कितना बड़ा घोटाला है। ये हम आला अधिकारियों, आर्मी का आला अधिकारी जो है या प्रशासन है या म्यूनसिपलिटी है यहाँ देखती है, उनसे कहना चाहते हैं कि आपकी जेब में कितना गया और बाकी कितना गया ये हमें पता नहीं, जनता बताएगी। और मैं जनता से मांग करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज हम आपको अलग अलग जगह के विजुअल दिखा रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन आर्मी की दीवारों के बिल्कुल साथ में हो रही है, और हमारे पास जब सुना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि 100 मीटर की दूरी के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ पे देख रहे हैं फेंस की दीवारें बिल्कुल साथ ही हैं और उसके साथ ही सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, इसके बीच में क्या मिली भगत है ये कोई समझ नहीं आ रहा। आज मैंने आपको पहले बंदूरा के विजुअल दिखाए, उसके बाद मैं आपको पचवानी चौक में लेके गया जो बंदूरा का चौक है, आज मैं शांति नगर पीछे तो पजवानी के बिल्कुल साथ में बोलना पड़ता है, आज मैं वहाँ पर आपको लेके आया हूँ। और ये आप देख सकते हैं ऊपर ये ब्रिगेड है, और ब्रिगेड के बिल्कुल साथ में क्योंकि 10 फुट की दूरी पे नहीं है वहाँ पर ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ऐसा क्यों है इसके पीछे क्या राज है ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है। और घोटाले से पर्दाफाश करने के लिए मैं प्रशासन से और आर्मी के आला अधिकारी से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर गृह कर्ता के लिए रोका जाए लेकिन कोई समय कोई कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको नहीं रोका जाता। ये आर्मी जो हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे तैयार बैठी है, लेकिन आज उन्हीं के साथ और उन्हीं के बिल्कुल पास में ऐसा अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है तो इसके पीछे क्या, ये आप देखिए बिल्कुल आर्मी की दीवारों के बिल्कुल साथ सटे हुए, लेकिन कहते हैं कि 100 मीटर के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला हुआ है कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये धांधली शरेआम हो रही है। और आज हम पूरे घूम के आपको सारे वीडियो अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं, और आप देखिए इस साइड ये ब्रिगेड है और ब्रिगेड के साथ में की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये कितना बड़ा घोटाला है। मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरा मैन को बोलूँगा कि इसका और इन दीवारों का दोनों का डिस्टेंस चाहिए, जो लगता है डिफेंस का जो ब्रिगेड है वहाँ का और इसका ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी जो डिस्टेंस है 20 फुट से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 100 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों हुआ ये मैं प्रशासन से और फिर आर्मी के जो आला अधिकारी हैं उनसे मांग करना चाहता हूँ। इस वक्त हम झांसी नगर जो पचवानी के बिल्कुल साथ सटा हुआ मोहल्ला है वहाँ खड़े हैं, और मैं हूँ चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं जयपुर, और मैं